दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वैसे इसको कुछ परिचय की ज़रूरत है नहीं बाइक को। ये होंडा SP 125 जो कि ऑन रोड, पहले मैं इसका प्राइस बता दूं तो ये आती है 1,03,000 रुपये। ये दिल्ली का प्राइस है, गाज़ियाबाद का। ये नॉन डिस्क का जो वेरिएंट है ये 1,03,824 रुपये की मुझे पड़ी है, और जो इसका डिस्क वेरिएंट है वो 1,07,300 कुछ करके था। 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस है डिस्क ब्रेक और नॉन डिस्क ब्रेक में। इसमें कुछ कमी भी है, कुछ खासियत भी है, उसी के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का तो ये वीडियो देख लो। इसमें आपको सभी चीज़ A to Z वो बताने वाला हूँ कि अगर आप लेते हो तो आपको किस चीज़ में दिक्कत लगेगी और आपको क्या इसमें अदर बाइक से खासियत लगेगी। अगर आप राइडर 125 में कन्फ्यूज्ड हो, हीरो की सुपर स्प्लेंडर में हो, और आपका मन इसमें भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि इसके जो मीटर है, इसके फीचर्स हैं और इसका जो बल्की लुक है, उसको देख के अगर आप इसकी तरफ हो रहे हो कि इस बाइक को लेना चाहिए, और आपको थोड़ा सा भी नहीं आइडिया हो रहा कि इस बाइक में क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसमें कुछ कमी हो सकती है, कभी लेने के बाद पछतावा हो, तो उस बारे में कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका डिजिटल मीटर दिखा देता हूँ। इसमें आपको सभी जानकारी मिल जाती है जो कि अदर बाइक से काफ़ी कुछ ज़्यादा है, बस एक RPM छोड़कर। इसमें एक RPM मीटर नहीं मिलता, मतलब RPM का नहीं मिलता, बाकी इसमें आपको इतनी जानकारी मिल जाती है जो कि 125 cc सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले फ्यूल, ये जो है एक्यूरेट दिखाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि फेक जैसे अदर बाइक्स में दिखता है कि होता कुछ है, इसमें ऐसा नहीं है, जो है रियल है। ये जो स्पीडोमीटर है ना, आप राइडर 125, हीरो एक्सट्रीम 125 ले लो, किसी का भी ले लो, सबका 5-10 किलोमीटर का एरर मिलेगा, पर इसमें एरर नहीं है, ये मैंने खुद का देखा हुआ है। टाइमर, गियर इंडिकेटर, ये बिल्कुल रियल दिखाता है, ऐसा नहीं कि आपने तीसरा डाल दिया और इसमें दूसरा शो हो रहा है या फोर, इसमें जो है अभी तक रियल दिखा रहा है, और काफ़ी फीडबैक भी इसके अच्छे हैं। अगर ये इकोनॉमी जो इसमें इको की एक लाइट आती है, अगर आप चलाते हो इसको 40-50 चलाते हो, 55 तक चलाते हो इको में, तो बहुत अच्छा एवरेज देती है, बहुत ही अच्छा। अभी तक नई गाड़ी है, इसको 10 दिन लिए हुए हैं और ये एवरेज शो कर रही है इसमें 59.7। और मैंने ये ज़रूरी नहीं, मैंने इसमें इको में ही चलाई है, मैं कभी कभी इसको खींचता भी हूँ, मतलब 80 और 65-70 की स्पीड में चला रहा हूँ मैं इसको, ज़्यादा इको मोड पे चला नहीं रहा हूँ, वरना ये नंबर बढ़ भी सकते थे, पर अभी 59 का मेरे को दे दिया क्योंकि पहली सर्विस भी नहीं हुई इसकी। और जिसमें इतना फ्यूल पड़ा है इसमें, 370 किलोमीटर की रेंज भी दिखा रहा है, और देखते हैं 242 किलोमीटर मैंने चला दी 10 दिन में, काफ़ी चला दी। ये देख सकते हो ट्रिप ए ट्रिप भी, और ये है रियल टाइम किलोमीटर का माइलेज, मतलब जब जितनी स्पीड में आप बाइक चलाओगे, जिस कंडीशन में चलाओगे, वो यहाँ पे माइलेज शो करता रहेगा। चलो और जानकारी की बात करते हैं। इसमें मेटल का टैंक मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, अदर बाइक से आपको फाइबर के मेटल उसमें मिलते हैं, पर इसमें आपको मेटल मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है, बल्कि लुक तो इसका है ही है। इंजन नॉइस की बात कर लेता हूँ, इसमें गियर ये देखो न्यूट्रल का यहाँ हो गया, न्यूट्रल यहाँ हो गया। सबसे बड़ी बात, साइलेंट है भाई, ये देख सकते हो एकदम एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, इंजन का साउंड 0, समझ सकते हो। और एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ आपको दोस्तों, बिल्कुल 0 साउंड है। अगर वाइब्रेशन की बात करूँ ना, तो इस गाड़ी में वाइब्रेशन भी नहीं है, मिनिमम बाइन ये समझ लो वाइब्रेशन है ही नहीं। अगर तुम 80-90 पे खींचते हो तो कहीं फुट ट्रैप्स पे समझ में आते हैं हल्के फुल्के, वरना कुछ नहीं है। माइलेज बहुत अच्छा दे रही है, अब इसमें थोड़ी सी कमी भी है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो उस चीज़ से। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमी क्या है, ये जो हेडलाइट है ना, तो थोड़ी सी कम रोशनी देती है, मतलब इसकी ब्राइटनेस जो है वो अदर बाइक से कम है, इतना तो है। और इसकी जो क्लच है वो पता नहीं मुझे ही हार्ड लग रही है क्योंकि अभी बाइक नहीं है, पर इसकी हार्ड है अदर बाइक से। चलो तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो इसका क्लैटिक कन्वर्टर, जो अगर आप गाड़ी चप्पल में चलाओगे बाइक सॉरी, तो इसमें क्या होता है हीटिंग बहुत आती है, यहाँ पे अगर हम बाइक चलाते हैं तो हीटिंग बहुत आती है। इसका कुछ सोल्यूशन भी नहीं है कि इसमें आप कवर लगवा लो, कवर लगवाते हो तो मैंने शोरूम पे बात किया, वो कह रहे हैं कि आपकी इसकी जो एग्जॉस्ट की गारंटी वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ये भी इनकी कंडीशन ख़राब है। इसमें कवर तो लगाना चाहिए था। फिर ये जो पैर का दिया है इन्होंने ब्रेक पैंडल का, इसमें रबड़ भी नहीं है, ना इसकी रबड़ मिल रही है, रबड़ मिल भी रही है तो इस पर टिकेगी नहीं रबड़, मतलब रबड़ लगाओगे तो किस चीज़ पे लगाओगे, ये पता नहीं सिंपल सा, इसमें पैर स्लिप होता है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ख़राब लगी। फिर आते हैं ये फुट ट्रैप्स वाले, अभी नई गाड़ी है तो ठीक है, पर बाद में क्या होगा, ये हिलने लगेंगे जैसे कि स्प्लेंडर में वाइब्रेशन करते हैं।
फिर ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, पता नहीं इस गाड़ी के लिए है भी या नहीं है ये, पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि गाड़ी में वजन ही नहीं है इतना, क्योंकि जो इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, ये गाड़ी का जो वेट होता है 125-30 किलो होता है तो ये उसमें ठीक लगते हैं, पर इसमें गाड़ी में वेट ही नहीं है, 117 केजी वेट है, तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन बहुत ज़्यादा पंप करते हैं झटकों में, खासकर ऐसी रोड पर। सीट भी इन्होंने कम्फर्ट वाली नहीं दी, बहुत ज़्यादा हार्ड सीट दी है। अगर तुम इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो इस गाड़ी को ले लो, या आप 2-1 साल गाड़ी चलाने के बाद ये सस्पेंशन वगैरह चेंज करा सकते हो, सीट वगैरह कस्टमाइज करा सकते हो। पर हैंडलिंग की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त हैंडलिंग है, जैसे अपाची वगैरह की होती है, 160 cc गाड़ी की होती है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। 50, 60, 70, 80 भी गाड़ी खींचोगे तो बबलिंग नहीं करती है ऐसे, बहुत मस्त पोजिशन पर वो है। और जब चलाओगे ना हाथ पैर दुखेंगे, अगर ओला उबर के लिए आप ले रहे हो चलाने के लिए डिलीवरी के लिए, भाई बेस्ट बाइक है, स्प्लेंडर से अच्छी लगी मेरे को ये बाइक। पीछे का लुक इसका कुछ इस तरह का, और जब से इसका टायर साइज़ बढ़ा दिया ना तो इसके हैंडलिंग और बढ़िया हो गई, मतलब चलने में भी और लुक में भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, और देख सकते हो चलने में भी बहुत बढ़िया। पीछे का लुक भी अब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका देखने का। साड़ी गार्ड भी मिल जाता है इसमें जो कि काफ़ी बढ़िया है। फिर इसका जो चैन कवर है पूरा बंद है, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा। पर इसमें एक दिक्कत हो रहा है भाई, चैन में आपको क्लिप नहीं मिलता, चैन अगर टूटती है तो चेंज होगी, पर चैन इतनी जल्दी टूटेगी भी नहीं। 5 गियर मिलते हैं, काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि गियर आपके अटकते हैं, तो भाई मेरे अभी तो नहीं अटकते, मैंने क्लच जो रख इसका जो क्लच का वो है बात की हुई है जो इंजीनियर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा अगर आप क्लच रखोगे इतना तो गियर नहीं अटकेंगे, अगर तुम क्लच रखोगे इतना तो भाई गियर अटकेंगे। ये इस गाड़ी में कुछ पैदाइशी बीमारी है क्या क्लच की, पर अब गाड़ी आप चला लोगे 2-3 हज़ार 5 किलोमीटर तो फिर क्लच कहीं पर रख लेना, वो कोई दिक्कत, क्योंकि क्लच प्लेट अभी नहीं है तो अटकेंगे, अगर आप पास में रखते हो तो। मगर ठीक है भाई, दूरी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हीटिंग इशू गाड़ी का जो अभी तो नहीं है, गाड़ी में कोई हीटिंग नहीं है, पर गाड़ी अगर आप ये वाली गाड़ी ले रहे हो तो भाई 50, 60, 70 चलाओ, इससे ज़्यादा चलाओ मत। बाकी और तो कोई गाड़ी में कमी नहीं है, इस सेगमेंट पर सबसे बढ़िया गाड़ी है। अगर हाँ आपके इंडिकेटर वगैरह टूट जाते हैं तो आफ्टर मार्केट वैसे वाले लगवा लो, जो कम्फर्ट वाले वे वाले होते हैं, सॉरी एडजस्टेबल भी होते हैं वे वाले लगवा लो। वैसे तो गाड़ी में खटर पटर कुछ नहीं है, 1,03,000 रुपये में बेस्ट डील है। और भाई मैं तो ये कहूँगा अगर बाइक भी ले रहे हो तो हेलमेट भाई सबसे अच्छा वाला लो। मेरे पास, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, पर मेरे 2-1 एक्सीडेंट हो गए इससे, भाई मेरी जान बचा ली इसने बढ़िया, देख सकते हो स्क्रैचेस काफ़ी हैं। ईको गाड़ी से टक्कर हुई थी, मेरे पास अपाची थी, पूरा भाई शीशा तोड़ दिया इसने, पर भाई मेरे को कोई वो नहीं आया, शीशा भी इसके बहुत मजबूत हैं वाले, स्क्रैचेस हैं पर टूटा नहीं। ये स्टड की तरफ से आता है, इसमें DOT और ISI सर्टिफिकेट स्टड का 1500-1600 रुपये का आता है। इसकी कुस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है अंदर की, और फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो स्टड टॉपर करके आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, वीडियो नई नई आएंगे, और इसका माइलेज टेस्ट भी, रियल वाला माइलेज टेस्ट भी इसका निकालेंगे हम।